हेलो फ्रेंड्स, यज्ञदीप क्लास साइज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 13 अप्रैल को आज हम देखेंगे डेली यूकेज का पार्ट नंबर 3। इसमें क्या रहने वाला है, जो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 है उसके बारे में देखेंगे। इस टॉपिक का क्या नाम है, मृदा। और मृदा से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मृदा के आयतनात्मक संगठन में जीवाश्म पदार्थ की मात्रा होती है। जो मृदा का आयतनात्मक संगठन होता है उसमें जीवाश्म पदार्थ की मात्रा कितनी परसेंट होती है, तो ये रहती है 5%। कितनी रहती है, 5%। तो पहले का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बात करें ऑप्शन बी की, 25%, तो ये क्या रहता है, मृदा में जो जल की मात्रा रहती है वो कितनी रहती है, 25%। और मृदा में वायु की बात करें तो वायु भी 25% रहती है। और मृदा में खनिज पदार्थ कितने रहते हैं, तो वो रहते हैं 45%। कितने, 45%। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सिल्ट कण का आकार होता है। जो मृदा में सिल्ट कण होता है उसका आकार कितना होता है, तो ये रहता है 0.02 से 0.002% क्या रहता है, ये mm रहता है। तो 2 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस मृदा में सतह जुताई का गुण पाया जाता है। यानी ऐसी कौन सी मृदा है जिसमें सतह जुताई का गुण पाया जाता है, तो कौन सी मृदा है, ये काली मृदा। तो 3 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पौधों का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से निर्मित होता है। जो पौधे होते हैं उनका कितना परसेंटेज भाग जल से निर्मित होता है, तो ये रहता है 70% से अधिक। कितना रहता है, 70% से अधिक। और एक्चुअल आंकड़े की बात करें तो वो कितना रहता है, 70 से 95% के समथिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मृदा में नमी का वह प्रतिशत जिस पर मृदा और लेप किसी दूसरे पदार्थ से चिपकना बंद कर देते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है। यानी मृदा में नमी का ऐसा जब परसेंट कितना रहता है जिस पर मृदा और लेप किसी दूसरे पदार्थ से चिपकना बंद कर देते हैं, तो ऐसी अवस्था को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम कहते हैं असलांग बिंदु के नाम से। किसके नाम से, असलांग बिंदु के नाम से। तो 5 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और इंग्लिश में बात करें तो इसे हम किसके नाम से जानते हैं, एसटीसी पॉइंट के नाम से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आलू में कंद बनने के लिए मृदा का उपयुक्त तापमान होना चाहिए। जो आलू में कंद बनते हैं तो उस टाइम मृदा का उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए जिससे कंद अच्छे से बने, तो ये कितना होना चाहिए, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 6 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मृदा आयतन का कितना प्रतिशत आयतन ठोस पदार्थ से घिरा रहता है। जो मृदा आयतन होता है उसका कितना प्रतिशत आयतन ठोस पदार्थ से घिरा रहता है, तो ये घिरा रहता है 50%। कितना, 50%। जिसमें क्या रहता है, जो 45% होता है वो क्या रहता है, खनिज पदार्थ। और जो 5% रहता है वो क्या रहता है, जीवाश्म पदार्थ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मृतिका के कणों का व्यास होता है। जो मृतिका होती है उसके कणों का व्यास कितना होता है, तो ये रहता है 0.002 से कम। यानी जो 0.002 mm, कितना रहता है, मिलीमीटर से कम रहता है। और बात करें ऑप्शन बी में, इसमें 0.02, तो ये किसका रहता है, ये रहता है बालू का। और बात करें ऑप्शन सी में 0.02 से 0.002, तो ये किसका रहता है, ये रहता है सिल्ट का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से पौधों के लिए महत्वपूर्ण जल है। जो पौधों के लिए महत्वपूर्ण जल होता है वो कौन सा होता है, तो ये होता है केसीय जल। कौन सा रहता है, केसीय जल। तो 9 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, खड़ी फसल की मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रति मृदा की अपेक्षा होती है। यानी जो मृदा होती है उस टाइम खड़ी फसल रहती है, यानी फसल खड़ी रहती है, उस टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो प्रति मृदा, यानी जिस टाइम फसल नहीं खड़ी है उसकी अपेक्षा कितना गुना रहती है, तो ये रहती है 10 गुनी। कितनी रहती है, 10 गुनी। तो 10 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थी मृदा से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन यही थे। दोस्तों इसी प्रकार हम 11th 12th में जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं सारे चैप्टरों को, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन इस क्विज के माध्यम से देखेंगे। ये क्विज करीब 2 से 3 महीने चलेगी। 2 से 3 महीने में आपका टोटली चैप्टर खत्म हो जाएगा। इन 2 से 3 महीनों में 11th 12th की बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम इन क्विज के माध्यम से देख लेंगे, इसलिए आप क्विज को डेली देखा करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।